Hello students, in this video I am going to discuss packing fraction and packing efficiency of CCP and FCC. Packing fraction and packing efficiency of CCP, that means cubic closed packed, and FCC, that means face centered cubic lattices. ठीक है, इन सारे इन दोनों में ही क्या होगा, जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। और इसमें जो एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे होंगे, इसके अलावे एटम्स कहाँ होंगे, ये जो सिक्स फेसेस हैं उसके सेंटर्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये इस साइड, फिर ये, अब कौन सा बच गया, ये बैक साइड, तो उसका आइटम यहाँ, और ये जो फ्रंट साइड है तो इसका ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ, यदि इसके साइड लेंथ क्या है, साइड, इसके जो एज लेंथ हैं ए हैं, ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक, इफ यू टेक ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, ये जो फिगर है इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे देख सकते हैं, इस फिगर को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ए है, बी सी और डी एटम्स जो हैं, ये जो एटम्स हैं जो कॉर्नर्स पे हैं, ये एक दूसरे को अलोंग द एज टच नहीं करेंगे, ये अलोंग द एज टच नहीं करेंगे। ठीक है, कौन टच करेगा भाई, तो इसको देखिए, थोड़ा सा और बड़ा सा फिगर चाहिए, ये इस तरह से होगा, ये है ये, फिर यहाँ, फिर ये, और ये जो फेस सेंटर पे है, तो यदि ये ए है, बी है, सी है, और ये डी है, तो ये क्या होगा, फेस डायगोनल, यह जो है यह क्या है, फेस डायगोनल है। ठीक है, ये लेंथ कौन सा है, ए है, ये लेंथ भी कौन सा है, ए है, और एक ही प्लेन में है, तो यह क्या हो जाएगा, दिस ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज टू ए स्क्वायर और ए रूट टू। ठीक, अगेन देखिए, ये यदि आर है, ये आर है और ये टू आर है, यानी एटम का रेडियस है, तो ए सी कितना हो गया, फोर आर, दैट मीन्स फोर आर इज इक्वल टू ए रूट टू, देयर फोर ए इज इक्वल टू, ए इज फोर आर व अंडर रूट टू। ठीक, चलिए अब देखते हैं, ये जब ए आ गया तो हमको पता है कि यहाँ पर जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल कैसा है, फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, तो इसमें जेड इफेक्टिव, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एटम दैट बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल, तो एटम्स कहाँ कहाँ हैं, एट कॉर्नर्स एंड एट फेस सेंटर्स, फेस सेंटर्स, कॉर्नर्स पे कितने हैं, एट इंटू वन बाई एट, फेस सेंटर, जरा ध्यान दीजिए, हर एक जो फेस है वह इक्वली, ये जो फेस पे जो एटम्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिटवीन टू यूनिट सेल्स, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेसेस है सिक्स, और हर एक फेस पर जो है उसका हाफ पोर्शन इसको बिलोंग करेगा और हाफ
दूसरे यूनिट सेल को, तो ये क्या हो गया टू, ये हो गया थ्री, वन, वन प्लस थ्री, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए फोर। अब यदि हम देखें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देख लें किसका, सी सी पी या फिर एफ सी सी का, तो यह क्या हो जाएगा, ये होगा जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सेल, ये आ जाइए, ये कितना हो गया फोर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू बाई ए क्यू, दिस विल बिकम फोर इंटू पाई इंटू आर क्यू बाई थ्री, और ए के जगह पर इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 64 आर क्यू, और ये जो होगा क्या हो जाएगा टू रूट टू, इसको कट कर दीजिए, फोर टाइम्स टू टू जार फोर, तो ये कितना हो जाएगा पाई रूट टू बाई सिक्स। और इसका यदि हम पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100%, ये आ जाएगा आपको कितना पाई रूट टू बाई सिक्स इंटू 100%, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा ऑलमोस्ट इसमें जो आएगा 74%, जबकि बॉडी सेंटर्ड में 68% तक आएगा, ठीक है।